ऑल मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध में जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा जखेनी पार्क में मनरेगा के मंत्री हक खान के विरुद्ध में नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सचिन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनसे एक महीने में कमेटी गठित कर उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया गया था, पर एक महीना बीते जाने के बाद भी सरकार का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को एसोसिएशन के लोग जम्मू जाकर प्रदर्शन करेंगे और यदि प्रदर्शन उग्र हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें क्या चाहिए? गुप्ता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हम हर साल की तरह ये शहीदी दिवस मनाते हैं। जब से ये यूनियन हमारी बनी है, कम से कम 47-48 साल से ये हमारी यूनियन जो ये दिन मना रही है, शहीदों का दिवस जो है ये मना रही है। तो ये हम ये आज की इस शहीदी दिवस पर ये कहना चाहेंगे कि खाली उधमपुर में रेडी यूनियन ही इसको प्रोग्राम को शुरू से मनाती आ रही है। सब लोगों को रल मिल के इस शहीदी दिवस को मनाना चाहिए। जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम में वरमंडल के साथी हमारे आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि सभी लोगों को मिलजुल के इसको शहीदी दिवस को मनाना चाहिए। हम शहर की जनता से अपील करते हैं कि आने वाले जो अगला साल है, शहर के सभी लोग इस दिन को मनाएं और आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन लोगों को ये पता चले कि जी जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ की हैं, कम से कम उन लोगों की पहचान उन बच्चों को भी आगे पता चले। एक जो गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि जो शहीदी दिवस है 23 मार्च का, इसकी एक छुट्टी होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था अंग्रेजों से, सभी को पता चले कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं और छोटी छोटी उम्र में इन लोगों ने कुर्बानियाँ करके अपने देश को आज़ाद करवाया। आंदोलन चेयरमैन ऑल एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है वो आरडीडी मिनिस्टर हक खान के खिलाफ है। जैसा कि हमने पिछली बार उनको वक्त दिया था एक महीने का टाइम कि आप हमारा मिसाइल, हमारा जो मसला है उसको हल कर दें, और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी कि विद इन 1 मंथ विल सॉर्ट आउट ऑल योर इशूज़। उसमें हमारा इशू था रेगुलराइजेशन का, सैलरी का, जो डेपुटेशन पे जो बाहर के दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं उनको बंद करने का, और सबसे बड़ा जो इशू था हमारी जॉब पॉलिसी का। लेकिन बड़ा अफसोस है, एक महीना बीत गया, मंत्री साहब ने कोई फैसला नहीं लिया और ना ही कोई कमेटी गठित की। ये बार बार बोलते हैं मैं कमेटी गठित करने जा रहा हूँ, बताइए कहाँ गठित की और कब की। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हुआ NRHM डिपार्टमेंट, NRHM के एम्प्लॉयज़ ने किया और बाली भगत जी ने, मुझे खुशी है, उन्होंने कमेटी गठित की। उसी तर्ज पर हम भी चाहते हैं कि RDD मिनिस्ट्री हक खान हमारे डायरेक्टर RDD को रिटर्न में बोले कि हमारी कमेटी गठित करें और वो कमेटी रिपोर्ट दें, और विद इन वो जो टाइम वो लेना चाहते हैं वो हमें बताएं कि कितने दिनों के अंदर अंदर वो हमें जॉब पॉलिसी देना चाहते हैं। तब तक हमारी ये जो इनडेफिनेट स्ट्राइक है 20 तारीख से आगे चल रही है, ये कंटिन्यू रहेगी।